उस वक्त यानी कि मैं हर तरफ से मायूस था परेशानी थी हालात बहुत तंग थे दोस्त उनके पास ऐसे भाई दबे गया एक दिन मिलने के लिए तो आगे वो उसके दोस्त बैठे हुए उसने कहा आओ सही जाम साहब ऑनलाइन काम करें थे उसने मुझे बताया कि मैंने शहजाद साहब से जो है उनकी यूट्यूब पे वो देखी है तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ मैंने कहा अच्छा यार शहजाद साहब की तस्वीर तो दिखा मुझे कम अज़ कम यूट्यूब पे देखूँ तो सही कम अज कम इतना अंदाज़ा हो गया था कि यार ये काम ठीक है फेक इसमें नहीं लगता मुझे ये नहीं कहते कि भाई कहीं इन्वेस्ट करो फसल की कटाई हो रही थी मेरे घर वाले कहते थे ये जी बी ओ भी देख रहा है गबूब देख रहा है ये क्या है जी बी ओ भी कोई अलग चीज़ है क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं आपको क्लाइंट सर मैंने जो सर्च की है ना पहले पहले तो यानी कि गूगल से खाना कितने पैसे कमा लेते हैं बचत सत्रह तारीख को तीन सौ साठ डॉलर है उसके बाद उनतीस को चार सौ नब्बे डॉलर है क्लाइंट का चार सौ नब्बे डॉलर का और आर्डर आया हुआ है आप हजार डॉलर से ऊपर कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे ज़बरदस्त होंगे दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्साइटेड इसलिए कि हम लोग पे दर पे बात करते हैं अपने कोर्सेज के हवाले से कि यूट्यूब पे दस्तियाब हैं इनको सीख के कई लोगों ने पैसे कमाना शुरू किए हमारे पास स्टोरीज हैं हम कई स्टोरीज़ करते नहीं जब तक हमें बहुत मोटिवेशन ना मिले स्टोरी से बहुत कमाल की स्टोरी ना हो आज भी ऐसे की स्टोरी है जी बी ओ बी कोर्स की आप इस कोर्स को उस इस इसकी स्टोरी को लाजमी देखिएगा मोहम्मद बिलाल हैं ये इनका इलाका है जितोई के पास और ये उच्च शरीफ वाली साइड से एक गांव में रहते हैं और आप इनकी एज चेक कीजिए फिफ्टी प्लस है इनके बच्चे चेक कीजिए पच्चीस साल की एज के बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई दोस्त मुझे कहते हैं मेरी एज पैंतीस साल है क्या मैं ये काम कर सकूँगा तो आज की स्टोरी उन सब दोस्तों के लिए मोटिवेशन वाली होगी जिनकी एज ज़्यादा हो तब भी ये काम कर सकते हैं दूसरी बात अगर वो लाहौर में नहीं रहते किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तब भी ये काम कर सकते हैं हम इनकी स्टोरी से सीखेंगे इन्होंने काम कैसे शुरू किया कैसे डिस्कवर किया और अब कितने पैसे कमाते हैं नेक्स्ट इनके प्लान्स क्या हैं और वो कौन सी मुश्किल जो इन्होंने फ़ेस की और उनका हल निकाला किस तरह से हल निकाला इस मौजूद बात करेंगे तो मेरे साथ हैं मोहम्मद बिलाल साहब बिलाल साहब कैसे हैं अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सर शुक्र है अल्लाह का एहसान है आप ठीक हैं सर खैरियत से हैं वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशवीर है आए तो माशाल्लाह आप खुश भी हैं आप पैसे कमा रहे हैं जी बी बी कोर से अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं तो एक्साइटेड हूँ कि सिर्फ आपको मिलने के लिए यानी कि मेरा तो ये था ख्वाब था कि भाई आपको सिर्फ मिल के सलामी पेश कर रहा हूँ कम अज कम आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अलहमदिल्ला हम मैं मतलब एक नाचीज़ सा आदमी जो उस वक्त यानी कि मैं हर तरफ से मायूस था परेशानी थी का कालम यह था कि भाई हालात बहुत तंग थे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ अब किस तरह किया जाए तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब लोग जो कहते हैं ऑनलाइन कमाई ऑनलाइन कमाई चलो इस तरह से मैं भी इसको देख लूँ पढ़ा हुआ तो हूँ भाई ऑनलाइन कमाई कैसे करते हैं फिर मेरे जहन में आया कि कुरान पाक की क्लासें लोग लेते हैं चलो जी हम भी किसी से मोल परचेज़ करके ना वो क्लासें लेके भी उस तरह से मैं शुरू करूं मैंने कंप्यूटर मंगवाया उस लिए था कि भाई वो किसी से आ, आ, क्लास लेते हैं कुरान पाक की और वो पढ़ाने जो अब क्या करें भाई किस तरह से सर्वाइवल तो करनी है फिर मैंने ये जब ये कंप्यूटर मंगवाया तो मेरे एक दोस्त थे जतोई के हैं जाम साहब जाम फारूक साहब फिर उनके पास ऐसे बाई दवे गया एक दिन मिलने के लिए तो आगे वो उसके दोस्त बैठे हुए उसने कहा आओ उसी जाम साहब ऑनलाइन काम करें तो फिर मैंने पूछा कि जाम साहब क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि यार एक काम कर रहा हूँ फिर उन्होंने दस मिनट मुझे दिए दस मिनट में उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई भाई ये ऐसे मैं वेबसाइटों को आगे पीछे ऊपर ने लिंक लेता हूँ इधर से उधर से मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा कहाँ से देखा कहीं से किया कि ये क्या मतलब तो उसने मुझे बताया कि मैंने शहजाद साहब से जो है उनकी यूट्यूब पे वो देखी हैं तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ मैंने कहा अच्छा यार शहजाद साहब की तस्वीर तो दिखा मुझे कम अज़ कम यूट्यूब पर देखूँ तो सही उन्होंने क्लिक किया और आपकी तस्वीर आ गई फिर जतोई से लेकर अलीपुर तक मैं जब आया हूँ ना मैं शहजाद साहब का नाम दिल में कई बार रास्ते में भी शहजाद साहब शहजाद लिखा नहीं उस वक्त तो फिर मैं ऐसे याद करता हूँ आया हूँ इधर जब अपने घर में तस्वीर आपकी देखी हुई थी फिर मैंने वो यूट्यूब निकाली यूट्यूब पे आपको सर्च किया देखा एक बार देखा दो बार देखा फिर उसके बाद यानी कि मुझे कम से कम इतना अंदाज़ा हो गया था कि यार ये काम ठीक है फेक इसमें नहीं लगता मुझे अंदाज़ा मेरा ये हो गया था कम से कम इतना मुझे फील हो रहा था कि यार ये जब ये नहीं कहते कि भाई कहीं इन्वेस्ट करो कहीं पैसे लगाओ लोग तो कहते हैं बीस हज़ार लगाओ पाँच सौ लगाओ ये करो वो करो पैसों लगाने वाली बात तो नहीं करता ना। चलो यार इसको फॉलो करता हूँ इसको देखता हूँ फिर मैंने एक यूट्यूब आपकी एक वीडियो देखी दूसरी देखी तीसरी देखी इस तरह से देखते 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 यानी कि मुझे एक लगभग एक पंद्रह दिन से ऊपर महीने के नजदीक अगर आप हमारे इदारे से जीवी कोर्स करते हैं तो इसके साथ आपको दो कोर्सेज फ्री मिलेंगे नंबर वन आपको आथर अकाउंट्स का कोर्स मिलेगा जिसमें आथर अकाउंट्स कहाँ से लेने हैं कैसे लेने हैं उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है और जल्द से जल्द आपने पैसे कैसे कमाने हैं नंबर टू कोल्ड ई मेल मार्केटिंग कैसे करनी है ये पूरा कोर्स होगा ये भी साथ में मिलेगा अगर आप दाखिले लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा हमारी टीम आपसे रहा कर लेगी किस माह में स्टार्ट किया था आपने ये मैंने सर अप्रैल के एंड में जब फसल की कटाई हो रही थी ना अप्रैल 2024 2024 के एंड में यानी कि मेरे पास जब हालात मुश्किल थे फसल की कटाई हो रही थी मेरे घर वाले कहते थे ये जी बी ओ देख रहा है गबूब देख रहा है ये क्या है जी बी ओ कोई अलग चीज़ है अपने फसल पे चल ये काम करो ये काम पैसे ऑनलाइन आन आने होते तो इस तरह से दुनिया ना ले, ले लेती तो मैंने कहा यार आप लोगों को पता नहीं अभी मैं इसको ट्राई तो करने दो ट्राई तो मुझे करने दो फिर अलहमदिल्ला मुझे ना यकम मई अप्रैल के बाद मई को तीन मई है यहम मई है गाल मुझे याद नहीं अभी उसमें मेरे इनवाइस भी आई हुई है पहला क्लाइंट मुझे लगी है वो ख़ातून थी कैलिफोर्निया की नाम क्या था उसका जेनिफर है जेनिफर। जी तो वो मुझे क्लाइंट लगी तो उसने मुझे ना बीस डॉलर का आर्डर दिया तो मैंने कहा अलहमदल्ला चलो ठीक है जबकि वो मुझे दस डॉलर में मिल रही थी तो बस वही दिन था अलहमदल्ला फिर मेरे पे वो कह रही थी मैं, मैं आपको पे में दूँगी पे मेरा अपना अकाउंट नहीं था फिर वो मैंने जाम साहब का ना उन, उन से पूछा उन्होंने अपने अकाउंट में मंगवा के दिया फिर दूसरी पेमेंट भी मंगवा के दी फिर एक दफ़ा यानी कि हमारा जो पेपाल था वो ख़राब हो गया फिर किसी और तरफ से फिर किसी और बंदे को अप्रोच किया कि यार आप वो बहावलपुर का एक आदमी था उससे फिर यानी कि अच्छा एक ना मुकदमा ये है कि कई लोग यहाँ पे देख के ना इस वीडियो को जी, जी. समझते हैं शायद ये फेक है सबसे पहली बात तो दोस्तों जैसे ये मेरे पास आए थे असल में ये आए थे मेरे पास मिठाई लेके आए थे जी तो जी. मिलने के लिए आए थे इनकी स्टोरी मुझे ज़्यादा मोटिवेट इस स्टोरी ने किया तो मैंने कहा अगर आप रिकॉर्डिंग अभी करना चाहते हो पसंद करें तो हम रिकॉर्डिंग का इंतजाम कर सकते हैं जबकि हमारी बेशुमार शागिर्द पहले से हमें अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी स्टोरी रिकॉर्ड की जाए तो हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे जब तक कोई स्टोरी आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आती उसमें कोई भरपूर मोटिवेशन ना हो जिसमें भरपूर मोटिवेशन होगी उसमें शक भी तो होगा मुझे पहली बात यह थी कि जिस इलाके से इनका तल्क है और जैसे ही इनकी माशा रहना सहना इनका है सादा सा इस सादगी के साथ ही ऑनलाइन काम करना लोग यकीन नहीं करते हमारे एक शागिर्द थे जिन्होंने यूट्यूब से काम किया था सीखा था और पैसे कमाना शुरू किए मोहम्मद इरफान मुझे याद है उनकी उनकी वीडियो के नीचे बेशमार कमेंट्स आना शुरू हो गए कि ये किसने ने शही को आपने कहीं पैसे दे के बुला लिया अपने शो में आप यकीन जानेगा मोहम्मद इरफान ने रबा किया कि सर मेरी वीडियो उतार दें मेरी तो लोग बड़ी बुरी हालत कर रहे हैं ऐसे मुझे लगा कि ये हमारा फ़र्ज़ है हम ये भी साबित करें कि वो लोग वाकई काम कर रहे हैं तो हर मुमकिन पहलू से दिखाएं भी कि वो काम कर रहे हैं ये ऐसी अनहोनी स्टोरीज़ पाकिस्तान में बहुत जगहों पे हैं पहली बात यह है कि इनकी जैसे ही आए हमने इनकी वेरिफिकेशन शुरू करवा दी हमारी टीम ने इनकी बाकायदा तौर पर सबूत देखे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे बारी बारी कुछ वक्त के बाद कई सबूत जहाँ पे ये डॉलर्स कमा रहे हैं जहाँ पे इनकी इन्वाइस हैं या कुछ और चीज़ें जिनमें से ई मेल्ड ऐसी या कॉन्टेक्ट जो क्लाइंट्स के हैं हम रिमूव कर देंगे तो बाकी पैसे आपको दिखाएँगे ताकि आप देख सकें कि ये पैसे कमा रहे हैं इसके बाद ये देखिएगा कि इनकी तलीम क्या है क्योंकि मुझे इनके ना पहले मिलने से हुलिए से समझ नहीं आया था तालीम क्या आपकी तलीम क्या आपकी तालीम मेरी एम ए है एम ए है आपने एम ए किस सब्जेक्ट में की थी आ, मास्टर ऑफ में एम बी ए जी जी कहाँ से किया था मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से किया था सिंध यूनिवर्सिटी से किया था ठीक है यकीन जाने का मुझे देख के ना ये एहसास नहीं हुआ इनको जब इन्होंने बताया और उसके बाद ये कुछ जो बातें करते हैं तो बातों तो से अंदाजा हुआ ये ठीक है माशा इनका बेटा यहाँ मौजूद है बेटा इनका सी ए कर रहा है और दूसरा बेटा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है कहाँ से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान रहीम यार खान से परसों वाले दिन पिछले दो दिन पहले की बात है उससे उसके प्रोफेसर ने पूछा ये मैं अभी दिखा भी सकता हूँ आपको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा उसको उसके प्रोफेसर ने पूछा कि हाँ भाई बच्चों को से जैसे पूछते हैं आप क्या फ्री टाइम में क्या करते हो तो उसने कहा कि भाई मैं फ्री टाइम में ना एस का कोर्स है जी बी ओ भी, भी वो करता हूँ तो उसने कहा कि वो क्या करते हो अच्छा आप करते हो उसने कहा सर हाँ मैं भी करता हूँ मेरे अबू भी करते हैं नहीं, नहीं यार एक मिनट आप मेरे पास तो आओ फिर उसको कहा अच्छा थोड़ी देर के बाद आप मुझे मिलना उसने कहा चलो ठीक है सर कहते यार हकीकत भी है या ऐसे खाम खाम ऐसे बता रहे हो कभी कोई पैसे कमाए हैं उसने कहा सर रियली आपको मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा अच्छा फिर कल रात को उसका एक स्टेटस लगा हुआ था सर का कि आप अपनी वो भेजो हॉबीज़ भेजो फ्री टाइम में ना स्टेटस पे उसने लगाया कि जो मेरे कांटेक्ट में हैं अपने अपने हॉबीज़ भेजो इसने मेरे बेटे ने लिखा कि सर मेरी जो है ना वो है फ्री टाइम में एस तो उसने कहा कि रियली आप ऐसे कर रहे हो मुझे टाइम तो दो उसके प्रोफेसर ने कहा कि मैं आई वॉन्ट टू बी यानी कि मैं सीखना चाहूँ उसने कहा कुछ कमाया भी है इसने मुझे कहा कि अब कोई स्क्रीन शॉट पड़े हैं आपके पास तो मैंने एक उसकी जो है कल वाले उसी दिन की यानी कि पेमेंट आई हुई थी हमारी तीन सौ साठ की वो उसको स्क्रीन शॉट भेजी और उस वक्त उसने कहा मुझे क्लास दो फिर मेरे।, मेरे बेटे को कहा मुझे भी क्लास दिया करो अच्छा आप की तलीम माशा एम बी है जी और आपने अप्रैल में काम शुरू किया था जी जी पहला ऑर्डर किस दिन मिला था कितनी देर के बाद सर मैंने पहले ना तकरीबन पंद्रह से पच्चीस या बीस दिन होंगे मैंने ना कोई आर्डर लिया ना ट्राई की मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस देखी एक देखी दूसरी देखी और निकाली और निकाली, और निकाली बार बार देखी कि है सही है इसमें जान फिर जब मुझे लगा ना अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि भाई शायद काम कर लूँ फिर मैंने उसको बिस्मिल्ला पढ़ा पहली यानी कि वेंडर साइडें निकाली फिर वेंडर साइडों से मैंने एक यूँ किया कि वेंडर साइड वाले को ही अप्रोच कर दिया कि आप तो यानी कि ये मुझे दे रहे हैं मैं ले रहा हूँ आपसे बट आप भी तो कहीं से लगवाते होंगे लिंक्स अगर आपने बैकलिंग लेना है तो मेरे पास भी वेबसाइट्स हैं आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ उसने मुझे कहा कि भाई आपके पास कौन सी साइट्स हैं तो फिर मैंने उनको अच्छी अच्छी साइट्स भेजी यानी कि पहला आर्डर मुझे इस तरह से आया था आपने फ्री कोर्स किया था हमारा या पेड कोर्स किया था? मैंने तो मैंने बताया सर मैं तो हंड्रेड परसेंट बस सिर्फ आपसे आज मिला हूँ हु. अगर पेड कोर्स किया होता तो मैं पहले कैसे यही बताना चाह रहा था कई लोग जमारे पेड कोर्स में यहाँ पे आते हैं वो भी फेल होते हैं लेकिन कई लोग जो फ्री कोर्स करते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में बैठ के आप यकीन जानिए मैं जिस शहर में जाऊँ वहाँ मुझे कोई ना कोई लोग लाजमी मिलते हैं जो ये काम कर रहे हैं फ्री कोर्स से इन्होंने बिल्कुल फ्री कोर्स किया था ये आज हमारी पहली मुलाकात है और इससे पहले हमारा कोई टेलीफोनिक रबता नहीं है ना इनको मैंने कहीं सपोर्ट दी ना कुछ और तो इन्होंने यूट्यूब से खुद से सीखा और पैसे कमाए अगली बात बताइएगा कि आपकी इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश लिखना पढ़ना अच्छी है और उसमें कोई मसला नहीं है मुझे नहीं। तो मैं यानी कि कंप्यूटर को कर लेता हूँ इजीली ठीक है तो मेरे साथ एक और बड़ी बेहतरीन बात है कि मेरा एक छोटा बच्चा है सातवीं क्लास का सातवीं में पढ़ के वो हाफजा कर रहा था वो मेरे कभी कबार बैठ जाता है जब मैं नहीं होता ना वो क्लाइंट मुझे हंट करके भी देता है एक दफ़ा अच्छा। तो उसने लिंकड से एक दफ़ा तो उसने लिंकड से मुझे पता नहीं था कि लिंकड से पीपल में जाके उसने उस बंदे को ट्राई किया सोर्स किया जिस बंदे को यानी कि वो वेबसाइट का ऑनर था वहाँ पे गया उसके कोई आठ दस को किया होगा उसके बाद मैंने उससे पूछा कि अबू ये आपने कैसे हंट किया है उसने मुझे ये बताया अब ऐसे ऐसे पीपल इसमें ठहरे थे वो बच्चे तो ज़रा क्रिएटिव होते हैं तो उसने भी ये मुझे तरीका बताया अच्छा किस नश में काम कर रहे हैं जिसमें मोस्टली आपको ऑर्डर मिलते हैं सर इब्तः में तो मैंने यानी कि जनरल नश जो थी ना ये सब जैसे क्या नाम टाइम बिजनेस न्यूज़ हैं और इस तरह की ये वेंट्स मैगजीन और इस तरह के पहले पहले मुझे आर्डर छोटे छोटे बीस बीस डॉलर के तीस डॉलर के चालीस डॉलर के मुझे यहीं से मिले थे उसके बाद अलहमदुल्ला जैसे जैसे काम ग्रो होता गया है लोग और भी अच्छा फिर मेरे एक और बड़े मज़े की थी कि जो मुझे आर्डर मिलता जिसका लिंक मिलता जिसकी गैस पोस्ट मैं वो पोस्ट पे लगा देता था अलहदुल्ला आई गाट दिस लिंक एंड आई रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम दिस तो जो वो वाली वेबसाइट जिसको चाहिए होती थी वो पाकिस्तानी भी होते हैं दूसरे भी होते हैं वो आके मुझे आउटरीच करते हैं कि ये आप मुझे हमें भी दे दो उसके बाद फिर हमें क्लाइंट मिलना शुरू हो गए सास साइड के सास सास की तो मैंने एक पोस्ट लगाई कि आई नीड मुझे अल्लाह है मुझे सास का पता भी नहीं था क्या नहीं। होता है एक दिन मेरी वो जो कैलिफोर्निया वाली क्लाइंट है ना उसने मुझे कहा कि आप एस सी ओ का काम करते हैं तो ये मैटर टाइटल और ये मुझे मेटा टाइटल मैटर का नहीं पता था मैंने उसको कहा मैं मैसेज उसके दिखा सकता हूँ मैंने कहा आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप मुझे एक दिन दो अगले दिन आप मुझसे पूछ लेना <laughs> फिर मैंने अगले दिन वो एक्सप्लोर करके उसको बताया कि ये मुझे कन्फर्म है हर चीज़ जो आपको चाहिए आपको मैं दे सकता हूँ वो कहती है अच्छा फिर एक दफ़ा ना एक क्लाइंट मेरा आया उसने मुझे कहा कि ये कसिनो साइट्स वाली ना हूँ ऐसी साइट दो जिसमें कसिनो ना हो अब मुझे क्या पता कसिनो किस में होती हैं किस में नहीं होती मैंने उसको जर्नल साइट्स ये वाली भेजी मैंने कहा इसमें कसीनो नहीं है और मैंने कुछ वो वाली भेज दी जिसमें ना वेंडर लिख देता है कि कसिनोज आर नाट अलाउड लिख के भेज देते हैं ना वेंडर मैंने वो भेजी लेकिन उसने कोई सर्च निकाली क्या निकाला उसने वो मुझे निकाल के भेज दी देखो ये कसीनो है मैंने देखा कि यार ये कसीनो में इसने कैसे सर्च किया उसकी स्क्रीन को ढूंढा उसने एक वो ऊपर खाना बना होता है उसमें सी लिखा हुआ था एक अच्छा सी सी जैसे वो सर्च में ना सी लिख के उसने जो स्क्रीन शाट लिया है नीचे कसिनो वाले आर्टिकल आ गए इसका मतलब मैंने कहा इस तरह से ये लोग सर्च भी करते हैं उसके बाद मैंने जो नान कसिनो साइट्स हैं उनको ऐसे देखना शुरू कर दिया कि भाई इसमें कसिनो सी डाला तो नीचे कसिनो वाला आर्टिकल आ गए अगर नहीं है तो नान कसनो है हैं तो कसिनो वाली होगी तो इस तरह से भी मैंने उनको कुछ आउटरीच किया फिर अलहमद फिर सात साइट्स पे मुझे ऐसे अब मैं उन साइट्स पे काम करता हूँ जो मुझसे लिंक लें लिंक एक्सचेंज करवाएं मैंने आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास मिलती आ, मुफ्त में है यानी कि वो मुझसे अपना टैक बिलियन पे लगवा रहे हैं अब टैक बिलियन पंद्रह सौ दो हज़ार की है ठीक है कई आए मेरे पास इस तरह के वो पंद्रह सौ दो हज़ार की है मैं बेच रहा हूँ दो हज़ार डॉलर दोस्तों तो ये तकनीक समझिएगा ये मैंने वैसे काफ़ी देर पहले भी सोचा था वीडियो करूँगा भूल गया कि ऐसा पॉसिबल है हम लोग मैंने बल्कि इसलिए नहीं की थी लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते असल में अपने ना अंदर जिगरा पैदा कीजिए पैसे इन्वेस्ट करने का बड़े पैसे कमा लेंगे फ़र्ज़ किया आप किसी बड़ी वेबसाइट को मना लें कि भाई मैं तेरे साथ लिंक एक्सचेंज करूँगा पैसे नहीं दूँगा तो लिंक एक्सचेंज करने के लिए उसे ना ऐसी साइटें दें जो पंद्रह सौ दो हज़ार में आपको कॉस्ट करती हो अब फ़र्श किया मांगता सौ डॉलर लेकिन लिंक आपको पड़ा दो हज़ार का तो आपने उससे खरीद लिया दो हज़ार में उसका लिंक लगवा दिया टेक बोलन या कुछ ऐसी साइट पर और उस दूसरी तरफ आपने अपने क्लाइंट का लिंक लगवा दिया उसके पास तो कितनी कम प्राइस आपको पड़ती है आपको बार्गेनिंग करनी नहीं पड़ती मसला यह है कि इसमें आपको थोड़ा सा ना खुद पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उसको किसी और साइट से खरीद के दे देना दे अपनी साइट की बिजाए और खुद उससे अपने क्लाइंट का लिंक लगवा देना यह है टेक्निक जिसमें आपको गैस पर सस्ती पड़ सकती है तो यही आपने इस्तेमाल जी अलहमदिल्ला ये मैं अब अक्सर बेशतर कर रहा हूँ बस मैंने कुछ आपसे पूछा था कितने पैसे कमाते हैं तो आपने कहा छः हज़ार डॉलर आपने जी, कमाए हैं टोटल अभी तक जो शायद पाँच पाँच हज़ार से जी मैंने सवाल किया था कितना प्रॉफिट है आपने कहा पाँच हज़ार डॉलर से ऊपर है मैं हैरान था कि हाँ। जो हमारे है ना मोस्टली जी जी ये तीस से पचास फीसद मोस्टली ये प्रॉफिट कमा रहे हैं जी जी तो आपके केस में तो प्रॉफिट रेशो बड़ी ऊपर थी वो इसलिए है ना सर कि मैं मोस्टली इस तरह का काम करता हूँ और फिर जो है ना पहले पहले इब्तदा में हम क्लाइंट्स को सस्ते में देते थे बीस की ली या तो चालीस की दी फिर जब मैंने ये देखा ना कि यार ये क्लाइंट्स को तो जितना कहो देता है जो अच्छा क्लाइंट है अब उसको कम पैसों में ज़रूरी देना है तो अगर कम में आप ले रहे हैं फिर एक और चीज़ मैं देखता हूँ जिस वेंडर को मैंने मेल उसने मांगी ना वेबसाइट वेबसाइट वो मांग रहा है सपोज सकैन डॉट कॉम है उसको मैं पहले मेल कर दूँगा अगर उसने मेरी एक मेल पे रिप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब उसको भी करेगा वो खुद आउटरीच करते हैं उसको भी करेगा वो मुझसे सौ मांग आ, मुझे अगर सौ का कह रहा है सौ डॉलर की कह रहा है तो मैं उसको कहूँगा कि 120 डॉलर की उसमें मैं प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रखूँगा क्यों मुझे पता है कि ये इसको आउटरीच वो खुद कर सकता है सौ की बजाय 120 सौ की बजाय बड़ा जंप भी लगाऊं तो 150 सौ लूंगा अच्छा मैंने आपसे इस और, बात से एक चीज सीख ली है जी और अगर के लिए ये बात ध्यान से सुनेगा ताकि जो दोस्त जिनकी जाती साइट है वो भी सीखें जी अगर जाती साइट हो हम जल्दी जवाब दें <laughs> तो क्लाइंट डेट रहा कर लेता है मोस्टली चांसेस है क्लाइंट ड्रेट हो जाएगा हमसे जी 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 तो साइड वालों को चाहिए कि जल्दी से जवाब दें अभी देखो मैं ये रियली हकीकत बता रहा हूँ फिर मैं उसको देखता हूँ कि जो मुझे चौथी बार पाँचवीं बार या मुझे लेन देन से मिला है मैं कहता तो हूँ ये गोरा इतनी तकलीफ नहीं करता उसके पैसे मैं अगर वो मुझे पचास भी डॉलर में दे रहे हैं ना मैं उसके पाँच सामान फिर वो अगर कहे कि इसको डिस्काउंट करो तो हम कहते हैं कि क्वालिटी का काम आपको गारंटी के साथ हम दे रहे हैं ना, एक बात है मैं क्लाइंट को कभी मायूस नहीं करता मैं उसको कहता हूँ कि मुझे अगर पैसे वापस भी करने पड़े ना मैं आपको कर दूँगा और एक मेरे बंदे ने लिंक रिमूव किया है पेमेंट ले के सर मैं हंड्रेड परसेंट मेरे पास प्रूफ है मैं आपको बताता हूँ मैंने मैं एक तो झूठ नहीं बोलता चाहे मेरे रिसलर हो ना मुझे कहे कि इंस्टेंट आप पैसे दे दोगे मैं कहता तो हूँ नहीं देता आप मुझे दो या ना दो मैं 24 घंटे से पहले कैसे पॉसिबल है ये टालने वाली बात है अगर जलील करना है किसी को तो आप कहो कि मैं इंस्टेंट दे दूंगा हाँ अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो फिर आप लगा के दे सकते हो जबकि मैं उसको कहता हूँ कि भाई अगर पॉसिबल हुआ तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे उसकी वजह यह है कि इधर दिन है उधर रात हो फिर वो सोया है तो मैं उसको कैसे जग, जगाने जाऊँगा भाई वो चौबीस घंटे के बाद देखेगा प्रोसेस करेगा इन शाला चौबीस घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे हाँ अगर नहीं आते चौबीस घंटे फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ फिर मैं जेब से दूँ कहीं से उधार लेके दूं दूँ फिर आपको दूँगा मैंने सर चौबीस घंटे के अंदर क्या मैंने बारह घंटे के अंदर बंदे को पैसे दिए और वल्ला आज वो आज तक उसने वो लिंक आगे आगे उसने पता नहीं पैसे नहीं भेजे पता नहीं क्या पंद्रह दिन के बाद मुझे क्लाइंट ने मैसेज किया कि यार ये तो मुझे लिंक ए, 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 मेरा लिंक, लिंक, लिंक रिमूव हो गया है मैंने कहा आप परेशान ना हो आप हंड्रेड परसेंट पेमेंट वापस लें तो मैं आपको भेज देता हूँ अगर आप लिंक रिस्टोर करवाने के लिए वेट करते हैं तो मैं आपको इन रिस्टोर करवा दूँगा अगर आप लिंक आल्टरनेट लेना चाहते हैं तो मैं आपको अल्टरनेट दूँगा और फिर कभी मैं क्लाइंट को ये नहीं कहता कि ये साइट मुझे इतने में मिली है और मैं आपको इतने में दे रहा हूँ ये कभी भी नहीं कहता झूठ हम क्यों बोलें उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं अल्लाह इतनी बड़ी उम्मत के या नबी की उम्मत हैं हम झूठ बोलें वो झूठ नहीं बोल रहा क्यों सिर्फ रोज़ी के लिए नहीं उसको हम मैं ये कह देता तो हूँ इस इससे मुझे कम में वारा नहीं है ये इतने में आप ले लो मैं आपको सर्विस अच्छी देता हूँ कहाँ से मिलती हैं आपको क्लाइंट सर मैंने जो सर्च की है ना पहले पहले तो यानी कि गूगल से पहले गूगल से आपने क्लाइंट है। जी हाँ गूगल से ठीक है अब तो उसके बाद जो है किस इस पे प्रखते हैं कि ये मेरा क्लाइंट हो सकता है पहले तो सर वो जो डी ए जिनकी कम है ना वो देखता हूँ कि वो डी ए कम वाला जो है वो बेहतरीन क्लाइंट हो सकता है और फिर आपने एक दफ़ा वीडियोस में बताया था मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें बेस्ट वाचेज और इस तरह से आपने जी हाँ तो वो मैं उनको भी सोर्स करता हूँ कि भाई यार ये प्रोडक्ट्स वाले ना ये भी क्लाइंट बन सकते हैं तो मैं उनको वो भले उनकी ट्रैफिक ज़्यादा भी हो मेरे लिए मसला नहीं है कम भी हो ज़्यादा भी हो कोई बात नहीं आज हर बंदा जो भी जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा है क्या वो बैक लिंक नहीं ले रहा किसी ना किसी तरह ले रहा है ना सर ट्रैफिक भी उसकी उसका डी आर बी इसलिए इम्प्रूव हुआ है ना कि वो कहीं से बैक लेंगे रोज़ाना लगवा रहा है चलो छोटे लोगों से नहीं लगवा रहा होगा तो बड़े से लगवा तो रहा है ना सर तो इसलिए मेरे लिए ये मैटर नहीं करता मैं कहता हूँ कम वाले वो अच्छे क्लाइंट बन सकते हैं और अगर ज़्यादा वाला है तो उससे पैसे ज़्यादा मिलते हैं अच्छा आपने वेबसाइट ढूंढ के गूगल से फिर उनकी ईमेल मेल तलाश कैसे करते हैं जी सर उसके बाद मेल में लिखते क्या है सर पहले पहले तो वही जैसे आपने बताया हुआ है कि भी फैशन की साइट्स हैं वो निकाली हैं राइट अस करके या उसके बाद क्लाइंट के अगर निकालनी है तो फैशन लिख के उनको यानी कि जब नीचे पूरे पेज के ऊपर आ जाती हैं तो उसमें से सारी मेलों के यूआरएल कॉपी किए यूआरएल के बाद उनको ओपन किया तो मैं तो ऐसे करता हूँ उसके बाद एक मेल हंटर है जो वो ना ए, ए, ए डार्ट के जैसे वो नहीं होता एट द रेट अच्छा इस तरह का एक है ना उसको भी इंस्टॉल किया हुआ है मैंने ईमेल निकाल जैसे ई ईमेल वो पेज के निकाल देता है अक्सर अगर हमें ना भी मिल रहे हो ना वो उसमें से निकाल देता है वो एक एक्सटेंशन है, की है।, है, ए, है ए, जी, रेट शक्ल बनी हुई है ये मुझे है तो वो भी साथ में मैंने इंस्टॉल किया उससे भी निकल आती हैं और कांटेक्ट फार्म में भी निकला तो फॉर्म वाले तो जवाब ज़्यादा जल्दी देते हैं अच्छा सर उसके अलावा जो है यानी कि जब ये निकाल लिया उसके बाद फिर देखते हैं कि जिसका डी कम हो उनको ज़्यादातर क्लाइंट की तरफ ना क्लाइंट वाली फार्मेट कर जी आप क्लाइंट वाली उसको ये है कि भाई मैंने आपके विज़िट की है वेबसाइट उसमें से डी ए पी ए ये निकला है तो आप अगर यानी कि मेरा काम ये है ए गेस्ट ब्लॉगिंग का काम मैं करता हूँ प्रोफेशनली तो आपको अगर चाहिए तो मेरे पास इतनी हाई अथॉरिटी और हाई क्वालिटी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके लिंक मैं नीचे दे देता हूँ कि ये भी मेरी शीट है आप इसको देखें अगर आपको इसमें से मुनासिब लगे तो आप की जो है वेबसाइट जो है आप जा सकते आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगी तो इस तरह से फिर वो अगर किसी को अच्छी लगती है हमारी बात तो वो हमें रेस्पॉन्स करते हैं सौ सौ मेल करते हैं उसमें से एक आधा तो आ ही जाता है किसी वक्त में अच्छा कितनी ई मेल्स करते हैं कितने क्लाइंट्स ढूंढ के उनको क्लाइंट बस सर मैं तो ऐसे करता हूँ ना कि जिस वक्त तो फ्री होता हूँ वो अपनी इकट्ठी करता जाता हूँ फिर एक मैंने वीडियो देखी थी फरहान साहब की जिसमें फरहान साहब की वीडियो में ना उन्होंने बताया था कि जो मेले हैं ना पाँच ए, पचास पचास मेल आप इकट्ठी कर सकते हो वो जी मैक्स की ए, उसकी मैं मैंने उनकी वीडियो देखी वो वार्म अप भी, भी करते हैं लेकिन मुझे वार्म वाली वो जगह मेरी उसमें तो मुझे नज़र नहीं आई कि कैसे वार्म अप करते हैं लेकिन उसमें से मैं पचास पचास भेज रहा था एक दफ़ा मेरे साथ ये भी हुआ है कि जब मैंने पचास में जब वो कनेक्ट किया है ना उनको तो वो बाई द वे मैंने तो पचास लिखा उसने आगे दे दिया कि आपके अड़तालीस जो है वो इकट्ठी हो गई हैं मैंने कहा यार दो क्यों काट दिए हैं अब पता नहीं अच्छा चलो काट दिए तो काट दिए मैंने उनका आगे यू आर एल और वो सेम लिखा था अच्छा हुआ ये मेरे साथ कि वो बाई द वे डबल थी शायद डुप्लीकेट थी कहीं डुप्लीकेट उसने निकाली है आगे मेल एड्रेस और का यू आर एल और का वो और उनकी और उनको चले अच्छा मेरे साथ ये बड़ा जब मैंने बाद में देखा वो अल्लाह अकबर चलो कितने किस वक्त कितने क्लाइंट हैं क्या होगी आपकी एवरेज एवरेज अब ये सत्रह तारीख को तीन सौ साठ डालर है ठीक है उसके बाद उन्तीस को चार सौ नब्बे डॉलर है ठीक है ये पोजीशन है अब अल्हमल्लातीस को जब पहली को खोला है ना तो क्लाइंट का चार सौ नब्बे डॉलर का और आर्डर आया हुआ है तीन चार आर्डर और मेरे पास पेंडिंग में पड़े हैं अच्छा फिर आपको बताऊँ मैं आप हज़ार डॉलर से ऊपर कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक काम लाजमी कीजिए जी जी हम पाकिस्तान में ना यकीन कीजिए इसलिए हैं हमारे जहन थोड़े से ना तरक्की वाले नहीं होते जी जी जब कभी आपको टूल्स पे पैसे खर्च करने पड़े जी 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 तो पहले खर्च करें सही अगर आपको खाने है। में पैसे खर्च करने बाद में करें मैं ये इसके सही लिए ना, है। ये बिल्कुल सही है। है जी जी या स्नो, स्नो मैं जी मास ब्रीवो ब्रीवो महंगा सस्ता है ठीक है ब्रीवो को अपना मसला है वैसे फीड नहीं कर सकते लेकिन स्नो में फीड कर सकते हैं कि आपने टोटल दस हजार ईमेल डाल दी ठीक है तो वो स्लो स्लो मिले रोजाना तीन सौ पाँच सौ सेट कर दें अपने आप जाएंगे अच्छा ठीक है ना उसका ई मार्केटिंग का कोर्स स्नो का मेरा मौजूद है आप उसे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं ठीक है इसका फ़ायदा यह स्नो के अंदर कि ड्रिप फीड है ताकि स्नो रफ्तार से मेले कर सकें काम चाहे इकट्ठा कर दें पूरे एक माह जी 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 अपने बच्चों से कहें कि इकट्ठी मेले ढूंढें फ्लांक करें एक मेल की सबको सेंड कर दी वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी जिससे ना आपकी पॉसिबली जो ई मेल डेसेज वो खराब नहीं होंगे ठीक है उसमें वाम करने का इंतजाम मौजूद है अगर ब्रीवो करेंगे अगर यक करनी पड़े मेल जी तो बीवो अच्छा है वीवो में काम और भी कर सकते हैं आप इसको ड्रिप फीड के लिए इस्तेमाल करना हो ना पहले इसमें तीन चार सौ ई मेल डालें ठीक और एक मेल बना कर सेंड कर दें पूरी उनको जाएगी फिर आप इसमें नए कॉन्टेक्ट डाल दें तो उधर बटन आता है कि नए लोगों को ये सेम मेल सेंड कर दूँ तो उनको सेंड कर दें रोजाना सिर्फ बटन प्रेस करना पड़ेगा एक तो रोजाना तीन चार सौ को नए को सेंड कर दिया ठीक ठीक इसके अलावा एक और चीज़ है ब्रिवो में जब आप इसको बाय करते हैं तो तकरीबन नौ डॉलर से स्टार्ट होता है ब्रीवो ठीक पर मंथ इसमें बारह डॉलर चार्ज करते हैं या पंद्रह डॉलर चार्ज करते हैं लोगो रिमूव करने की ठीक लोगो भी रिमूव करें इसका पता क्यों उन लोगों को ये नज़र आए कि मार्केटिंग की बड़ी ब्रॉड कंपेन चल रही है ठीक है उनको लगी पर्सनलाइज मैसेज है उन किसी पर्सन ने सिर्फ उनसे रबा किया ठीक है ठीक है ना ठीक है उसके अलावा विवो का कोई टेम्पलेट इस्तेमाल ना करें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी जी इस वीडियो में ये जो इंस्ट्रक्शन है ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी आपको ये मिल जाएंगी वहाँ पे इसके बाद पता क्या वहाँ पे अगर फर्ज किया आप उसका टेम्पलेट इस्तेमाल ना करें सादा सा डिज़ाइन जैसे वो आप ई में होता है ये करना शुरू करें उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आता है लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि आप ना ऑटोमेशन की तरफ आएं जितनी एक वेबसाइट बनाएं वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप इसको एज ए एग्जाम्पल चेक कर लें ब्लॉगर आउटरीच कंपनी डॉट कॉम ये हमारी साइट है हमारी नई टीम यहाँ बैठी है यह बाहर काम कर रही है, है। देखिए अभी ये बिल्कुल नई टीम है और बिल्कुल नई एजेंसी बनाई है इसी काम के लिए और एजेंसी हमारी चल रही है इसको देख के अपनी एजेंसी की वेबसाइट बना सकते हैं और है। उसकी बिजनेस ई मेल ड्रेस करेंगे ज्यादा बेटर है जी जी उसमें वॉब नहीं करना पड़ता ठीक है ये निकल करेंगे तो रोजाना फर्ज किया है आपकी अगर तीन सौ पाँच सौ ईमेल आएँ जी तो रोजाना शायद आपको दो के हिसाब से दस के पास इंक्वायरीज आ जाए बाकी फिर उन इंक्वायरीज में से दो तीन क्लाइंट निकलते हैं तो पॉसिबली रोज़ाना का क्लाइंट एक दो निकले इन बात है अच्छा रोज़ाना वैसे कितनी ईमेल करते हैं कभी कि नोट किया आपने अब अलहमदिल्ला सर ये है ना कि पहले तो ये होता था कि हम क्लाइंट्स को ज़्यादा मेलें कर देते अब क्लाइंट्स को कम करता हूँ क्योंकि जो क्लाइंट्स बने हुए हैं ना सर वो वेंडर वो साइटें मांगते हैं अब फिर वेंडर साइट्स को ज़्यादा करना पड़ता है या कहीं रीसेलर को जो हमारे दोस्त भाई हैं पाकिस्तानी उनको करते हैं ताकि कहीं से हमें वो साइट्स मिल जाए अब डायल पैड है बहुत अच्छी वेबसाइट है अब उसके लिए यानी कि उसने कहा कि भाई ये मुझे चाहिए अब वो सोर्स करने कर, करते करते सारा दिन भी लग जाता है कि यार कहाँ से ढूँढूँ और कोई लोग अपने रीसेलर हैं तो वो कहते हैं एडवांस में पैसे दे दो अब एडवांस पैसे जब क्लाइंट मुझे नहीं दे रहा तो मैं कैसे दूँ फिर ये एक और चीज़ होती है कि यार ये लोग रोज़ लगे होते हैं कि सकैम हो जाता है सकैम हो जाता है तो इस तरह से भी बचने के लिए कुछ इस तरह से फिर वो हम वेंडर को ढूंढने के लिए ना जी फिर वो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी साइट्स जो है वो अच्छी अच्छी ढूँढूँ अब पिछले दिनों में मुझे एक आर्डर मिला है हॉट गी नहीं बल्कि हेल्थ लाइन पर ना अब दो बंदे थे एक ऑस्ट्रेलिया का था एक यू का था अब एक ने कहा मैंने लिंक लेना है दूसरे ने कहा मैंने भी लिंक लेना है तो मैंने क्या किया मैंने दोनों को कहा कि भाई मेरे पास एक आर्टिकल है <स्याँगा> वो दूसरा तीसरा क्लाइंट है वो लगवाना चाह रहा है आप आर्टिकल चेक कर लो उस पर आपका लिंक दे, दे देता हूँ तो उसने कहा आप आर्टिकल मुझे सेंड करो मैं चेक करता हूँ मैंने उसको आर्टिकल सेंड किया मैंने कहा जहाँ पे आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है ना वो भी इस पर लिख दो अगर इस पर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर दो और अपना लिंक ख़ुद से लगा दो मुझे कोई इतरा नहीं है मैं दूसरे क्लाइंट को मनवा लूँगा दूसरे को कहा कि भाई ये आर्टिकल आ रहा है उस पर लिंक लगाओ आप इसमें से लगाना चाहते हो इस आर्टिकल पर तो आप लगा दो मैं आपको लगवा देता हूँ उसने कहा चलो ठीक है उससे भी पैसे तय किए उससे भी पैसे तय किए यानी कि एक ही आर्टिकल पर दो लिंक यानी कि है तो डिफरेंट उनको एक एक लिंक चाहिए था उनको लिंक इंसर्शन चाहिए थी उनको गेस्ट पोस्ट के लिए तो वो लोग कहते हैं ना टू डो डू फॉलो लिंक हूँ ना दो दो, दो लिंक लेते हैं <coughs> उनको एक एक, एक लिंक इंसर्शन चाहिए थी तो मैंने कहा यार एक ही आर्टिकल से ये मुझे बताया किसने था एक और क्लाइंट एक दिन आया था वो ग्रेस थीम वाली वेबसाइट है ना अच्छा अच्छा सही ग्रेस थीम ग्रेस थीम्स वाली वेबसाइट है उस पर उसने कहा कि भाई मुझे ये दस जो है वो यानी कि लिंक चाहिए दस आर्टिकल मैंने कहा ना उसने कहा कि मुझे दस लिंक मुझे एक गेस्ट पोस्ट लगवा दो एक गेस्ट पोस्ट दस आर्टिकल है मेरे पास गेस्ट पोस्ट लगवा दो मैंने कहा लग जाएगी मुझे आर्डर यानी कि मेरे पास जो उसकी कीमत थी ना वेंडर की तरफ से वो फिफ्टी प्लस थी तो मैंने कहा चलो इसके साथ बारगेन करूंगा तो ये कम हो जाएगी वो कम हो गई यानी कि अलहमद फिर उसको जो मैंने कहा यार आप दो उसने मुझे कहा अब आप वेट करो मैं एक एक लिंक आर्टिकल पे ना तीन लिंक ले लूँ पहले इधर उधर से फिर आपको दूंगा मैंने कहा अच्छा ये भी होता है कि आप दूसरों से मैंने उसको फिर मैसेज किया मैंने कहा एक पे दो लेना आप तीन ना लेना मेरी आगे बात दो की है फिर मुझे समझ आ गई इसका मतलब ये डिफरेंट लोगों से लिंक लेके एक ही आर्टिकल पे ये कर सकते हैं फिर सर एक और चीज़ है कुछ हमारे दोस्त हैं बस अल्लाह हर किसी को जजा दे इस तरह नहीं करना चाहिए यू एस ए टूडे के लिए मुझे एक बंदे ने कहा 150 डॉलर दो मैं लगवा देता हूँ यार ये इतने पैसे कम वाला कैसे लगवा देगा अच्छा मैंने फिर ना लिंकडिन में जो ग्रुप में हैं फिर उनसे पूछा यार ये पॉसिबल है उन्होंने भी मुझे बताया कि ख्याल करना पैसे ना देना एडवांस ये लगवा भी दे फिर लोग एक और तरीका भी करते हैं सर जो मेरे साथ एक दफ़ा हुआ भी है मुझे क्लाइंट ने मेल की क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि यार आप की तरफ से आपने जिस आर्टिकल किसी और को दिया है तो वो मुझे अब पता क्या करते हैं वो कहते हैं हाँ मेरे पास अवेलेबल है मैंने आर्टिकल सेंड किया आर्टिकल में तो लिंक लगा है अब जिस का लिंक लगा है ना उसकी वेबसाइट पे जाते हैं मेल कापी करते हैं उसको कहते हैं कि मैं आपको लिंक लगवा के देता हूँ और बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप से लिंक नहीं लग रहा है क्या अब एक बंदे ने मुझे वो किया है सोर्स किया है यानी कि आउटरीच किया है तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कह सकता क्या पता उसने अपनी तरफ से किया हो पॉसिबल नहीं है मैंने तो वेंडर को भेजा है जो यानी कि एडमिन है ना मैंने तो एडमिन को भेजा है अब क्या पता है आपको वैसे उसने कर दिया लेकिन मुझे उसने फिर वो उसकी मेल भेजी वो वही लड़का निकला जिसको यानी कि मैंने आर्टिकल दिया था मैंने फ़ौर से पहले ना कोशिश की है कि उसका आर्टिकल जो उसको भेजा था उसको रिमूव करूँ उधर से डिलीट करूं वो पे व्हाट्सएप पर डिलीट कर दूं तो उसके बाद जो है ना उसको मैंने कहा यार ऐसे करते नहीं हैं आपने ये ज्यादती किया देखो क्लाइंट किसी और का है आपको जो रोज़ी मिल रही है आप उस पर वो करो ना अब ये तो नहीं है कि कम पैसे बता के वो ले के अब लगवा ना दो उसको आउटरीच करना शुरू कर दो बस इस तरह से भी मेरे साथ हुआ नहीं जी मोहम्मद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों हमारे फ्री कोर्स से लोग मुस्तफ़ी हुए पाकिस्तान की डिफरेंट शहरों से लोगों लो ने कोर्स किया यूट्यूब पर यह कोर्स दस्याब है जी बी ओ बी कोर्स के नाम से इसको बेशुमार लोगों ने देखा किया नहीं जिन लोगों ने देखा और आगे गुजर गए इन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया सवय अपने नुकसान के जिन लोगों ने ये कोर्स किया इन लोगों का ज़ाती फ़ायदा भी पहुँचा और हमें भी दिली खुशी पहुँची आज का जो पॉडकास्ट था मेरे लिए दिली खुशी का बायस था कि पाकिस्तान में देखें किस किस जगह पे किस किस तरह के गाँव में हमारे ऐसे शागिर्द हैं जो वहाँ बैठे काम कर रहे हैं यूट्यूब से सीखा था और काम करके पैसे कमा रहे हैं अब देखिए अगरचि हम इसका पेड कोर्स करवाते हैं लेकिन फिर भी बताऊँ मैं इनक्रेज करता हूँ उन लोगों को जो लोग यूट्यूब से फ्री कोर्स करके पैसे कमाना चाहें क्यों क्योंकि उनको कोई आश्र जब नहीं मिलेगा फिर भी लगे रहेंगे उनके स्किल ज़्यादा पॉलिश होते हैं एक बात देखिएगा हमारे आप यूट्यूब चैनल पे देखिए सेमिनार्स में देखिए वेबिनार्स में देखिए किसी भी इवेंट में देखिएगा सेवेंटी परसेंट के पास हमारे पास स्टोरीज़ वो होंगी जो स्टोरीज़ उन लोगों की होंगी जिन्होंने फ्री कोर्स से पैसा कमाया होगा अगर हम लोग आपकी पैसों से पैसा कमाना चाहते हैं आपसे पैसे ले कर कोर्स करवाना चाहते तो फिर तो हम ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं कि देखिए हमारे पास किसी ने पेड कोर्स किया फटा फटाफट उसने पैसे कमा लिए अब आपकी ये स्वावध्य है आपने कैसे करना है बस मेरी ख्वाहिश है जिस तरह मर्जी कीजिएगा अगर फ़र्ज़ किया फ्री कोर्स करना चाहें यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जी बी ओ वी कोर्स आपको पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो हमारी हर वीडियो में हमारी हर जगह पर फोन नंबर गए हैं आप रहा कर सकते हैं लेकिन ये आपकी ज़ाती ख्वाहिश होगी पेड़ कोर्स करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा ठीक है इनशाला बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ लेकिन मुझे मोहम्मद बिलाल साहब कुछ थोड़ा सा कहना चाहते हैं बस सर मैं ये अपनी तरफ से ना आपको एक खुशी में ये पेश करना चाहता हूँ मिठाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह के इसमें सर एक तो ये कि आपका शुक्रिया और दूसरा ये जाते ही मैं उस बंदे को मिठाई दूंगा जाके जिस बंदे ने आपकी मुझे तस्वीर दिखाई थी जाम फारूक साहब हाँ जाम फारूक साहब उनका भी शुक्रिया अदा आपको सलाम है आपका बहुत शुक्रिया आपने एक कम से कम एक और शख्स को आपने राज़ी किया ये काम करने पर उनकी ज़िंदगी बदल गई उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी इससे बदली होगी और जो दोस्त मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर ये अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं अपने मुशी हालात से लड़ना चाहते हैं तो फिर वो काम चुनिए जो काम थोड़ा सा अनोखा हो रवायती ना हो ये काम अनोखा है गैर रवायती है बेफिक्र कीजिएगा इन शाला मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए मौजू के साथ नए गेस्ट के साथ अल्लाह हाफिज